हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए एक्सरसाइज में कहा था आपसे क्वेश्चन भेजिएगा, तो एक बच्ची ने क्वेश्चन भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ पूछा गया एक्सरसाइज का। सुनिए, द बेस ऑफ द आइसोसेलस ट्राइंगल मेजर इज 80 सेंटीमीटर। बेस ऑफ द आइसोसेलस ट्राइंगल आपको गिवन कर रहे हैं, कह रहे दिस इज 80 सेंटीमीटर। बेस आपको दे दिया गया एंड इट्स एरिया इज, एंड इसका एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहे फाइंड इट्स पैरामीटर, इसका पैरामीटर। तो आइसोसेलस ट्रायंगल के दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, कहा ये एक्स है, ये भी कितनी होगी, एक्स एक्स होगी। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो और बताइए आप। इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे, बिल्कुल ड्रॉप करेंगे सर। ये पूरी कितनी थी, 80 थी। तो ये कितनी हो जाएगी, अभी यहाँ पे इसका एम दे दी, ये 40 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये साइड निकल के बाहर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये हाइट निकल आई। दिस इज द हाइट ऑफ द आइसोसेलस ट्राइंगल, की हाइट निकाल ली आपने। क्या किया, इस ट्राइंगल को पकड़ा, पूरी 80 थी, आधी डिवाइड हो गई, कितनी बची 40। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये निकल आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसको इसके, तो ये कितनी आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 40 के। अब आइए सर, एरिया का फॉर्मूला हमारे हिसाब से क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या मैंने 360 के बराबर होगी, बेस कितना है, बेस कितना है, बेस कितना है, बेस है 40, बेस कितना है, सॉरी 80 है, बेस हमारा 80 है, और हाइट कितनी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 बराबर कितने की, 36। इसको काट दीजिए, 40 बार कट गया, 40 बार कट जाएगा, 40 इसको काटेंगे, 4 में 36, 9 बार कट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1600 बराबर 9 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1600 बराबर कितने के, 81 के, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितने के, 1681 के, जोड़ दिया उधर बेस करके, तो एक्स स्क्वायर टू 41 आ गई। एक्स कितनी आ गई बेटा, 41, ये 41 तो ये भी 41 हो गई। अब क्या पूछा, पैरीमीटर पूछा है, पैरीमीटर मतलब ये प्लस ये प्लस ये, यानी 41 प्लस 41 प्लस 80, जोड़ दीजिए जरा, ये कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर, जिससे वो पैरीमीटर आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन नंबर दसवां एक्सरसाइज का जो पूछा गया क्वेश्चन, वो आपको हमने बता दी, दसवां नंबर, एक बच्ची ने पूछा था दसवां और उनतालीसवां एक बच्ची का है, तो पहले दसवां हो गया, अभी उनतालीसवां पे भी आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, कह रहे द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 50। एक पैरीमीटर है ट्राइंगल, ट्राइंगल बना लीजिए, उसका पैरीमीटर कह रहे 50 है, अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से सुनते जाइएगा, पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 50, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। ध्यान से सुनिए, सबसे स्मॉलेस्ट साइड में एक्स मान ली, तो कह रहे वन साइड इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट, तो ये साइड हमने मान ली थी स्मॉल साइड से कितने 4 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट है, एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट, ये थर्ड साइड ही बची तो इसका ट्वाइस 2x हो गया, और उससे कितने सेंटीमीटर स्मॉलेस्ट है, करें दैट इज 6 सेंटीमीटर लेस, तो 6 सेंटीमीटर लेस कर दिए। अब एक बात बताइए, हमारे हिसाब से पैरीमीटर निकलेगा x प्लस 4 एंड 2x माइनस 6 इज इक्वल टू कितने के, 50 के, जरा कैलकुलेट करिए, और ये जो घट गया तो यहाँ कितना बचा, 4x माइनस 2 बराबर 50 के, 4x बराबर कितने के, 52 के, 13 चौक 52, x की वैल्यू 13 आ गई, ये x की वैल्यू यहाँ रख दी तो ये 13 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 13 दूनी 26 माइनस 20 हो जाएगी, चेक कर लीजिए, साइड्स आपको पता चल गई। अब क्या पूछा, फाइंड आउट द इट्स एरिया, यानी आपके पास साइड नहीं आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई, ए इक्वल टू 17, बी इक्वल टू 20 और सी इक्वल टू कितना, 13। ए के सामने साइड ये 17 20 13, एस निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, कितनी वैल्यू आएगी, पैरामीटर 50 है, जोड़ोगे तो 50 आएगा, 50 में 2 का भाग देंगे 25 आ जाएगा, एरिया कैसे निकलेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया ए आर इज ए आर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अंडर रूट s माइनस a 25 माइनस 17, s माइनस b 25 माइनस 20, 25 माइनस 13, चेक करो, अंडर रूट ये 25, ये कितना 8, ये कितना 5, ये कितना 12, चेक कर लीजिए, अब कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर दे दीजिए, कर देंगे कि नहीं कर पाएंगे, अब करना कैलकुलेशन आपका कार्य, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं करिएगा,
है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछा, पता नहीं क्यों पूछा गया 15 नंबर क्वेश्चन, 15th नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, किसको नहीं आया पता नहीं भाई, क्या दिया है जरा ध्यान से सुनिए। 15th नंबर बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब सिर्फ ऐसे अकड़ बकड़ करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल, एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल दिया गया, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया हमारे हिसाब से होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और उनके हिसाब से कितना दिया गया करें √36 है, √3 से √3 कट जाएगा, तो साइड स्क्वायर इसको कितनी 144 की गुणा करा दिए चार को दिया, तो साइड कितनी आ जाएगी, साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 12, साइड ऑफ ट्रायंगल कितनी निकल आई 12 निकल के आई। कह रहे हैं पैरीमीटर चाहिए, पैरीमीटर भी है, पैरीमीटर क्या होगा, 3 × साइड कितनी 12 × 36 आंसर हो गया, खत्म सवाल। 15वां नंबर बेकार सवाल था, पता नहीं क्यों पूछा गया, आई डोंट नो। चलिए इसके बाद आगे आते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 20वां नंबर पे आइए, 20th नंबर देखते हैं क्या है 20वां नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, साइडेड एक डिजाइन बनाई उन्होंने, फिर उसका साइडेड रीजन का एरिया पूछा, ऐसे बना हुआ देखो ध्यान से, इस तरह से डिजाइन बना हुआ है ऐसे, थोड़ा तिरछा मिर्छा हो गया तो उसको सही कर लेना, सीधा ये लाइन, ये सीधी लाइन गई ऐसे, चलो सीधी कर दी, चलिए हटाइए, अब सही लग रहा, अच्छा लग रहा। हाँ ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये साइड कितनी दी है, ये 48 दी गई है, ये साइड कितनी दी गई है, 52 दी गई है, और यहाँ पे वैसे उन्होंने ट्रायंगल बनाया छोटा सा प्यारा सा ऐसे करके, और इसको ये 90 बना दिया है, अच्छी बात है। वैल्यूज बताएंगे, कह रहे हैं ये 12 है और ये 16 है, ये वैल्यू 12 है, ये 16 है, ये 12 और ये 16, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये साइड निकल के बाहर आ जाएगी। नाम लिख देते हैं, इसका नाम दे दिया जाए डी, जरा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के, 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ करके लिखेंगे 400, तो ए बी बराबर 20 आ गए, ये 20 आ गए सर। अब कह रहे हैं ये साइडेड बनाया मैंने ऐसे करके, इसको साइडेड रीजन बनाया है, ये वाला ये रीजन आपका कैसा है, साइडेड रीजन है, तो साइडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, यहां लिख देना एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। अब आपको काम क्या करना होगा, पहले आपको ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, फिर आपको ABD ट्रायंगल का एरिया, इस तरह का क्वेश्चन हमें करवाया फिर भी पूछा कि चलिए बता देते हैं। आए सर तो यहाँ हेडिंग करेंगे फॉर ट्रायंगल ABC, यदि ABC की बात करोगे तो A इक्वल टू 48 होगी, B इक्वल टू कितनी होगी 52 होगी, और C इक्वल टू कितनी होगी 20 होगी। यहाँ पे S की वैल्यू निकालोगे A प्लस B प्लस C बाई 2 निकलेगी, कितना 48 52 20, जोड़िए 48 52 100 और 20 120 120 बटे दो 60 आ गया, 60 आ गया एरिया, एरिया निकालिए, एरिया ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल का एरिया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी 60, 60 माइनस 48, 60 माइनस 52, 60 माइनस 20, कैलकुलेशन करिए, ये 60 लिखा जाएगा, ये 12 लिखा जाएगा, ये कितना लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा, और ये कितना लिखा जाएगा 40, तोड़िए जरा तोड़िए, 12 × 5 = 60, इसको 12 × 5 लिख सकते हैं, 12 × 5 × 12 ऐसे लिख रहा है, 8 इसको लिख सकते हैं, इसको 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, देखिए 12 × 12 = 12 आया, 5 × 5 = 5 12 आया, 8 × 8 = 8 12 आया, 8 × 5 = 40, 12 × 5 = 60 और 8 × 48 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, किसका ABC का। इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसमें क्या लगेगा 1/2 बेस इनटू हाइट लग जाएगा, सिंपल हाइट 1/2 बेस, बेस कितना है इसको बेस मान लेते, इसको हाइट 1/2 16 × 12 8 × 12 = 96 आ गया। ये साइडेड रीजन का एरिया फॉर्मूला लिखा, यहां वैल्यू रखें 480 − 96, 380 चार बढ़ा लिया 384 आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं बेटा, बड़ा इजी इजी टास्क है, करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं है, नथिंग।
मन लगा के अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लेकिन प्रयास नहीं किया जाएगा तो फिर नहीं निकलेंगे सवाल। बोलो, बोलिए भाई, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे? बिल्कुल निकल आने चाहिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे, किताबें मिले भी हैं। आगे बढ़ा जाए, चेक करते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा बोला गया। रुक जाइए जरा, देख लेते हैं, लिख लिए हमने अलग अलग। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पता नहीं क्या पूछे भाई। इन द गिवन फिगर, एक फिगर बना दिया इन्होंने, ऐसे एक ऐसे फिगर बनाया, इन द गिवन फिगर बोल रहा है, ऐसे फिगर बना दिया, नाम दिया ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, 27 नंबर की बात चल रही है, ए बी सी डी, ये डायगोनल ऐसे बना दिया गया है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, इसको इधर से इधर से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, इसका नाम एल है, इसका नाम एम है, ऐसे कुछ नाम दे दिए इन्होंने। क्या लिखा है? बी डी, बी डी इक्वल टू 64, बी डी की लेंथ दे दी गई, बी डी इक्वल टू 64, अच्छी बात है। और ए एल इस परपेंडिकुलर बी ए, और ये ए एल की वैल्यू 16.8 है, ए एल 16.8, और सी एम, सी एम कितना? 13.2 है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइ क्वारिलेटर, भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा भाई, एरिया ऑफ क्वारिलेटर ए बी सी डी, ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2, सॉरी पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, इसका एरिया निकालेंगे 1/2 बेस, बेस कौन बनेगा? बी डी इंटू हाइट, हाइट कौन होगी? ए एल प्लस 1/2 बेस, बेस कौन बनेगा? बी डी, हाइट कौन होगी? सी एम, ठीक है। जब ये ट्राइंगल लेंगे तो ये बेस बन गया, ये हाइट हो गई 1/2, बी डी की वैल्यू कितनी है? 64 है, प्लस ए एल की वैल्यू कितनी? इंटू ए एल, ए एल की वैल्यू कितनी? 16.8 प्लस 1/2, 64 गुणे 13.2, समथिंग इज कॉमन, 1/2 64 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? 16.8 प्लस 13.2, जोड़िए इन दोनों जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 1/2 × 64 × 30 दिख रहा है? दिख रहा होगा, अभी काट दीजिए, 15 बार कट गया, 64 × 15 15 × 60, 15 × 90 90 × 96 960 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन जाएगा। नोट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर बोला गया, 29वां नंबर, 29th नंबर, पढ़िए क्या लिखा है। इन द गिवन फिगर, ये भी इसमें फिगर दिया गया, कह रहे हैं एबीसी इज गिवन, एबीसी हैज बीन गिवन इन विच, एक ट्राइंगल दिया गया इन विच ए बी इक्वल टू दिस एंड ए सी इक्वल टू दे दी गई, ए बी और ए सी दे दी गई, अच्छी बात है, एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी ए बी दे दी, ए सी दे दी, बी सी दे दी, सी, ठीक है, अच्छी बात है, एंड ऑन बेस बी सी ए पैरेललोग्राम डी बी सी डी ए बी सी ऑफ द सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कंस्ट्रक्टेड, सो फाइंड, अरे अच्छी बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान सुनिए, एक ऐसे ट्राइंगल बना दिया इन्होंने ए बी सी नाम से, ए बी सी, ए बी सी नाम से ट्राइंगल बना हुआ है, और इसी पर एक ऐसे यहाँ पर एक क्या बना दिया, पैरेललोग्राम, क्या नाम है? डी डी, ये डी है और ये ई है, एक ट्राइंगल इसी बेस पर, बी सी बेस पर एक पैरेललोग्राम बना है, बी सी ई डी ये बना हुआ है। आपको ए बी कितनी दी है? ए बी इक्वल टू दे रखी है 7.5, ए सी इक्वल टू कितनी दे रखी है? 6.5, और बी सी आपको दे रखी है कितनी? 7। कह रहे हैं कि ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया आपस में बराबर है, तो कह रहे हैं इसकी हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए, पूछिए ये हाइट चाहिए, बेस इनटू हाइट होता है पैरेलल, चलिए आइए सर सबसे पहले लिखते हैं, गिवन क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी बी सी ई डी, बी सी ई डी, बी सी ई डी, चेक करिए बी सी बी सी डी ई, इनका एरिया आपस में बराबर है, तो भैया ट्राइंगल का एरिया तो निकाल सकते हो आप लोग, कैसे? पहले एस निकाल लो, ए बी, एस कैसे होगा? इनको सबको जोड़ेंगे, 7.5 प्लस 6.5 प्लस 7/2, इनको इनको जोड़ो, 7 × 7 = 14, 14 21/2, 21/2, 21/2, 21/2 मतलब 10.5, 10.5, 21/2 मतलब 10.5, चलो निकालिए एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जब हम बात करें तो अंडर रूट एस, एस कितनी है 10.5, एस माइनस ए 10.5 माइनस 7.5, 10.5 माइनस 6.5 और 10.5 माइनस 7, चेक करो इसको जरा ऐसे लिख सकते हैं 10.5 गुणे एक घटेगा 3 बचेगा, गुणे ये घटेगा तो 4 बचेगा, 6 4 10 और ये कितना बचेगा, ये 3.5 बचेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ऐसे लिख सकते हैं कितना 21/2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7/2 ये कट गया देखो 4 2 कितना हो गया 21 गुणे 21, तो 21 गुणे 21 अंडर रूट के अंदर बचा तो 21 बार आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकल आया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नीचे दिखा दिया 21 आया एरिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकल आया सर। अब आए सर ये दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना है 21 बराबर, फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 7 और हाइट कितनी, हाइट का नाम है डी एम, डी एल नाम है डी एल, डी एल तो कितनी आ जाएगी डी एल बराबर 21/7 = 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट वाइज शायद कैलकुलेशन करने में दिक्कत हुई है इसकी वजह से पूछा गया मैं लगता है, चलो कोई बात नहीं पूछना आपका कर्तव्य हमारा काम है बता देना। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं 33 क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है डिफरेंस बिटवीन पैरीमीटर एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आर 8 7 5 फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया डिफरेंस बिटवीन, अब जरा ध्यान से देखिए डिफरेंस बिटवीन इट्स पैरीमीटर सेमी पैरीमीटर एंड साइड, सेमी पैरीमीटर एस होता है एस माइनस ए की वैल्यू दे रहे हैं, एस माइनस बी की वैल्यू दे रहे हैं, एस माइनस सी की वैल्यू दे रहे हैं, कितनी कितनी दे रहे हैं 8 दे रहे हैं 7 दे रहे हैं 5 दे रहे हैं, ये दे दिया इन्होंने। फाइंड एरिया, एरिया निकालने की बात करते हैं, एरिया का फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आपके पास सब कुछ है एस माइनस ए है एस माइनस बी एस माइनस सिर्फ एस नहीं है, तो एक काम करते हैं जब एस निकाल के हम देते हैं आपको इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए तो एस 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 3s हो गया माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर कितने 8 7 15 5 20 8 7 15 15 5 20 और ए इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा सर 20 के, तो ये 3s और ये 2s बन गया बराबर 20 के, तो एस बराबर कितना आ गया सर 10 आ गया, नहीं 20 ही आया 20 आ गया 3s माइनस ए तो 20 आ गया, ये एस की वैल्यू आ गई देखो ए प्लस बी प्लस सी को 2s बोलते हैं ये निकल के बाहर आ गया एस, अब याद रखिए एस 20 एस माइनस ए 20 - 8 एस माइनस 20 - 7 एस माइनस सी 20 - 5 कैलकुलेट कर देना है बस आपको, ये 20 रहा ये 12 रहा ये 13 रहा ये कितना रहेगा ये 15 रहेगा, ठीक है बस कैलकुलेशन जैसा आ रहा है वैसे कर दीजिएगा आपको एरिया निकल रहेगा। डिफरेंस बिटवीन द सेमी पैरीमीटर एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आर 8 5 7 जो भी दिया तो उसी हिसाब से कर दिया गया, कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे सर। चलिए सर 34वां सवाल नहीं पूछा किसी ने लेकिन अच्छा सवाल है हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं, 34वां और 35वां कुछ नहीं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हैं, कह रहे हैं फ्लोरल डिजाइन ऑन द फ्लोर इज मेड अप बाय 16th टाइल्स, कितने टाइल्स लगाएंगे 16th टाइल्स इन द शेप ऑफ 16 12 20 फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द टाइल्स ₹1 per 1 rupees per square centimeter, मतलब देखिए देखिए 16 टाइल्स लगे हैं ध्यान से देखिए आपको दिख रहे हैं 8 इसमें दिख रहे हैं 8 फिगर दिख रहे हैं और हर एक फिगर में देखो ऐसे बनाए उन्होंने टाइल्स, देखो ध्यान से समझना इस तरह से डिजाइन बना हुआ है एक टाइल्स का, एक ऐसे इधर से ऐसे टाइल्स लगाया है और एक इधर से लगाया है एक ऐसे का, ये एक टाइल्स बना हुआ है ये एक और एक ये दो टाइल्स मिलकर के एक बन रहे हैं, तो देखो 16 टाइल्स का दे रहे हैं आपको 16 टाइल्स के बारे में बताया है पूरा देखिए ध्यान से, एक टाइल्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये साइड आपको क्या दी गई कह रहे हैं ये 16 है ठीक है अच्छी बात है ये 12 है और ये 20 है, तो एक काम करो अगर हम एक टाइल्स का एरिया निकालें इतने का तो 16 टाइल्स का एरिया निकालेंगे 16 का गुणा कर देंगे। आइए सर एरिया ऑफ टाइल्स फॉर पॉलिशिंग, इसके लिए पॉलिश करानी ना फॉर पॉलिशिंग इज इक्वल टू कितने टाइल्स है 16 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल एक टाइल का एरिया निकालो उसमें 1 का गुणा कर दीजिए बस सिंपल बात है। आइए जरा देखो ये 1 2 3 एक ए हो गया 12 बी हो गया 16 सी हो गया 20
चेक कर लो। अब एक खास बात अगर देखना चाहते हैं, ये देखो आपको दिख रहा होगा 90 एंगल बन रहा है। कैसे 90 बन रहा है? 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर बराबर 20 के स्क्वायर के बराबर होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है, है ना? तो ये आप बराबर कर दीजिए, लगा दीजिए अकाउंट में। इसमें तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? 16 × 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया 16 और हाइट कितनी होगी 12, 8 बार कट गया। 16 × 12 = 96, तो 16 × 96 = 144 और 9 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना है? 1 रुपये। तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितना है? 1 रुपये आ जाएगी। काम खत्म, सिंपल सवाल है, कर लेंगे ना। हाँ, ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। अम्ब्रेला बनाया गया है, अम्ब्रेला मतलब बहुत सिंपल होता है देखने में, डरो नहीं कि फिगर बन के आगे तो हम परेशान हो गए। अम्ब्रेला लीडिंग बाय द स्टिचिंग 12 रेक्टेंगुलर पीसेस। अब देखो कितने रेक्टेंगुलर पीस बनाए जा रहे हैं, 12। तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ अम्ब्रेला, इसका एरिया निकालना है, अम्ब्रेला का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ अम्ब्रेला इज इक्वल टू 12 बनाए गए ना, 12 इंटू 1 ट्राइंगुलर एरिया ऑफ 1 ट्राइंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ 1 ट्राइंगुलर फील्ड। अब एक ट्राइंगुलर फील्ड बनी कैसे? देखो 50 20 50 से बनी, देखो ध्यान से। एक ट्राइंगुलर फील्ड ऐसे बना लेते हैं 50 20 50, तो ये इसका एरिया निकले कैसे? यहां लिख लो ए बराबर 20, बी बराबर 50, सी बराबर 50, एस बराबर कितना? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू कितना आएगा? 120 यानी 60। एरिया निकालो, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, 60 माइनस 20, एस माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 कितना आ जाएगा? ये 60 40 10 10, चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं ना? देखो 10 10 से तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 10 10, 4 10 मतलब 4 0, तो 100 बाहर कर दो तो अंडर रूट 24 बच जाएगा। अंडर रूट 24 इसको भी सीधे सीधे बाहर करो यार, 1 2 3 4 तो 24 अंडर रूट, इसको ऐसे लिख लेते हैं 6 × 400 × 100, 100 से 10 बार आएगा, 400 से 20 बार आएगा, 20 यानी 200 हो गया, 200√6 आ जाएगा, 200√6। √6 की वैल्यू दी है सवाल में? नहीं दी है, देनी तो चाहिए थी यार, नहीं दी है। अब √6 की वैल्यू आप यूज़ कर देना, नहीं तो यही लिख कर काम कर दो। एक का एरिया आ गया तो 12 स्टिच का एरिया कितना होगा? 200√6 के 12 × 24 √6। अब √6 की वैल्यू जो भी सवाल आपके पास हो रख करके कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा ना। हाँ, 39वां नंबर सवाल पूछा गया था, उसको बहुत पहले हमने बोला था, उसको भी देख लिया जाए, है ना? 39वां नंबर बच्ची ने पूछा था, उसको भी देख लीजिए। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप पूछ सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे आपको। फाइंड आउट द एरिया दैट रीजन हूज पैरेलल साइड्स आर 12 एंड 25, हूज पैरेलल साइड्स 12 एंड 25, ये 12, ये 25 है, ये 12 है, एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 13 एंड 15, ये 13 है और ये कितनी है? नॉन पैरेलल साइड एक 13 है और एक कितनी है? एक 15 है, तो ये 15 हो गई और ये 13 हो गई, दोनों बराबर नहीं है। तो हाइट पूछ रहे हैं, हाइट हमको नहीं मालूम, मान ली साहब इसकी हाइट कितनी है, अपनी तरफ से इसकी हाइट मान लीजिए, कितनी मान ले रहे हैं? h, तो ये हाइट h ही होगी, h होगी। अब ये डिस्टेंस हमको नहीं मालूम, पूरी यहाँ से आते तो 25 है, लेकिन ये कितनी है, ये कितनी नहीं मालूम, हमने इसको दे दिया x, इसको नाम दे दिया वाई। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 12 है तो ये भी ऑटोमेटिकली 12 हो जाएगी, यानी एक चीज़ समझ में आ रही, x प्लस 12 प्लस y बराबर 25 के, यानी x प्लस y बराबर कितने के? 13 के। देख लो, चेक कर लो, x प्लस y बराबर कितने के? 13 के। इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आएगी 13 माइनस x आ जाएगी, यानी यहाँ लिखो y 13 माइनस x, कैसे निकला? साइन में निकाल के दिखाया। इस टाइम में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या आएगा? 15 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इधर स्क्वायर लगाइए, 13 का स्क्वायर बराबर 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, चेक कर लो, दोनों इक्वेशन को घटा दे रहे हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगी? 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के? एक्स स्क्वायर माइनस 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के, एक ब्रैकेट में जुड़ जाएंगे दूसरे में घट जाएंगे, घटा जोड़ लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट।
15 माइनस 13 बराबर एक्स प्लस 13 माइनस एक्स, तो फिर घटाएं तो एक्स माइनस 13 प्लस एक्स, देखो यहाँ एक्स एक्स कट गया, यहाँ कितना हो गया 15 13 28 गुणे 2, 15 में से 2 13 चले गए और यहाँ कितना आ गया इज इक्वल टू 2x माइनस 13 की, 2x माइनस 13 की चेक करो 28 गुना 56 बराबर 2x माइनस 13 के, 13 इधर आएगा जुड़ जाएगा, 13 उधर देख दीजिए जोड़ लीजिए 15 13 सही है, कितनी वैल्यू जा रही है ए माइनस बी ए प्लस बी सही तो है, गलती हो रही यहाँ 13 बचा है वो नहीं लिखा हमने, 13 गुणे 2x माइनस 13 एक सेकंड जरा ध्यान से देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है, ये टोटल डिस्टेंस हमको कितनी दी गई थी तो ट्रैपीज़ियम, ओह शिट गलत लिख लिया भैया जी, गलती हो गई एक सेकंड रुकिए, ये 39 में यहाँ 12 नहीं 11 दी गई बेटा, सब मिस्टेक हो गई, ये 11 तो ये भी 11 होगा, अब ये 11 होगी तो यहाँ 11 लिखा जाएगा, तो जब 11 उधर जाएगा तो इधर 14 बचेगा, ये 14 माइनस एक्स आएगी, सब डिस्टर्ब हो गया भाई साहब, यहाँ पे जब लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे 14 माइनस एक्स का और इसको 14 माइनस एक्स कर दीजिए इसको, सब मिस्टेक हो जाता है यार, इसका स्क्वायर ये सही है, ये तो सही है, ये सही इधर सही चल रहा है, इधर 14 माइनस एक्स बनेगा, चलिए 13 माइनस एक्स ये यहाँ तक सही है, यहाँ पे क्या लिखा है 14 माइनस एक्स 14, यहाँ कितना है 14 और ये भी 14, 14 दूनी 28 दो बार कट गया, वही मैं कट क्यों नहीं रहा, 4 बराबर कितने के 2x माइनस 14 के, उठ किधर आया तो 2x बराबर कितने का 18 के, तो x बराबर 9 के, x की वैल्यू मिल गई, ये x की वैल्यू यहाँ रख लोगे तो h निकल आएगा सर, क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, तो ये 225 बराबर 81 इंटू एच स्क्वायर के, एच स्क्वायर टू कितनी आ जाएगी 144 एच स्क्वायर बराबर, तो एच बराबर 12 आ गई, हाइट मिल गई सर, ये कितनी निकल आई हाइट 12 आ गई, अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल पूछा बेटिया ने, ठीक है एच की वैल्यू कितनी आ गई 12, एरिया निकाल लीजिए भैया, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड 11 + 25 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 काटा 6 बार 25 11 कितना हो गया 26 36 गुणे 6 216 आंसर हो गया, बहुत बढ़िया सवाल था, प्लीज नोट इट, सवाल नंबर 39वां पूछा गया था, और जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए क्योंकि मैंने लगता है क्वेश्चन लगाए नहीं दिए, अभी भी आपको मौका दे रहे हैं कि आप फिर से क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, है ना, अगले वीडियो से पहले आप पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ओके ठीक है, कंप्लीट करिए इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट करिए, सारे सवाल लगाइए, एक एक सवाल लगाइए जो ना पूछिए, ओके थैंक यू, धन्यवाद।